गुड मॉर्निंग इंडिया, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर के साथ द हिंद में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है आज की बड़ी खबर। कोरोना संक्रमितों को छिपाना अब मुश्किल, फेसबुक और गूगल कैसे कर रहे हैं आप पर निगरानी। अगर आप भी फेसबुक या गूगल इन सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है, बने रहिए हमारे साथ। व्हाट्सएप का बड़ा फैसला, आपके मैसेज फॉरवर्ड करने पर लग सकता है ब्रेक। जी हाँ, व्हाट्सएप की तरफ से आ रही है बिग अपडेट, क्या है पूरा मामला दिखाएंगे आपको खबरें विस्तार में। अगर भारत दवाई नहीं भेजता है तो हो सकती है जंग, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, क्या है पूरा मामला दिखाएंगे आपको खबरें विस्तार में। बिना हाथ वाले भारत की पहली महिला को मिली ड्राइविंग लाइसेंस, कौन है वो महिला बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। और भी है धांसु खबर, खबरें को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, खबरें विस्तार से जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि सच्चे देशभक्त हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। बढ़ते हैं खबरें विस्तार में। दोस्तों, आज लॉकडाउन का 15वां दिन है। सबसे पहले पूरे विश्व के साथ भारत में कोरोना से जुड़े बड़े अपडेट्स आपको बताते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 354 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 8 नई मौतें दर्ज की गई है। देश भर में इस संक्रमण से अब तक 117 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में अब तक 4421 लोग कोरोना के संक्रमण में आ चुके हैं। यूपी के अस्पताल से खिड़की तोड़कर फरार हुए कोरोना पॉजिटिव शख्स एक नेपाली नागरिक है, जिसको पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है। मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने कहा है कि शख्स हॉस्पिटल से 3 किलोमीटर दूरी पर मिला और उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस शख्स ने दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर अभी कोई भी निर्णय नहीं किया गया है, ये कहना है भारत सरकार का। जी हाँ, परिवहन कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने पर अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, मीडिया को अटकलें नहीं लगाने चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को आदेश दिया था कि किसी भी सूचना को तब तक प्रकाशित ना करे जब तक के वो सत्यापित ना हो। दोस्तों, आप सबसे भी निवेदन है कि कृपया किसी भी अटकले या फिर सोशल मीडिया पर चल रहे फेक न्यूज पर ध्यान ना दें। कोरोना का एक मरीज 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को ICMR की एक स्टडी का हवाला देते हुए बताया कि यदि COVID-19 का एक भी मरीज लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है तो वो 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। गौरतलब हो कि भारत में अब तक 4421 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हमारे पास कोरोना के 30,000 मरीजों की तैयारी, 12,000 को होटलों में रखेंगे, ये कहना है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का। जी हाँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है अगर दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीज की संख्या 30,000 पहुँचती है तो 8,000 को अस्पतालों में, 12,000 को होटलों में और 10,000 को बैंकवेट या धर्मशालाओं में रखवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने 1.25 PPE का ऑर्डर दिया है, PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स, जबकि 27,000 PPE किट्स केंद्र से मिलेंगी। दुनिया भर में मृतकों की संख्या 75,000 के पार, आधे से अधिक मौत 3 देशों में, कौन सी है वो 3 देश, आइए बताते हैं आपको। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ट्रेकर के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 75,000 के पार हो चुकी है और इनमें आधे से अधिक मौतें केवल 3 देशों इटली, स्पेन और अमेरिका में हुई है। इटली में कोरोना से अब तक 16,500 से अधिक, जबकि स्पेन में 13,500 से अधिक मौत हो गई है। अगर भारत ने नहीं भेजी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तो हो सकती है जवाबी कार्रवाई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका द्वारा मंगाई गई दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जारी करने की गुजारिश के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री ये दवाएं जारी करने का आदेश नहीं देते हैं तो जवाबी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी होगी अगर भारत दवाएं नहीं भेजेंगे, क्योंकि भारत और अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं। आपको बता दें कि भारत ने दवाई की पहली खेप जारी कर दी है। व्हाट्सएप का बड़ा फैसला, आपके मैसेज फॉरवर्ड करने पर लग सकता है ब्रेक।
जी हाँ, व्हाट्सएप की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी वायरल हो रही मैसेज, मीम या फोटो या वीडियो को एक से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये फैसला इस अहम समय पे आया है जब पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। कंपनी का कहना है कि कोरोना पर सही जानकारी की जगह गलत जानकारियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले भी व्हाट्सएप ने किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने की सीमा को 5 वर्ष तक सीमित कर रखा था। देश की पहली महिला जिसके हाथ ना होते हुए भी मिला ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी का काम भी आसान नहीं लगता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिसके हाथ ना होने के बावजूद उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। इस 28 साल की लड़की का नाम जेलुमोल मैरियट थॉमस है। जेलुमोल भारत की पहली महिला बन गई है जिसके हाथ ना होने के बावजूद ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। कोरोना संक्रमितों को छिपाना अब बेहद ही मुश्किल। फेसबुक और गूगल करेंगे देशों की मदद। जी हाँ दोस्तों, ये खबर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बेहद अहम हो सकती है। दरअसल फेसबुक और गूगल सभी यूजर्स के फोन लोकेशन का डाटा अपने पास रखती है। अगर कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जाता है तो इसकी जानकारी फेसबुक और गूगल दोनों के पास जाती है। ऐसे में अगर विभिन्न देशों से लोग विदेशों से घूम के आते हैं और आने के बावजूद चुपचाप घर में छिपे रहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी इन दोनों कंपनियों के पास रहेगी। फेसबुक ने कहा है कि अगर कोरोना पर सरकार शोध के लिए यूजर्स की जानकारी मांगते हैं तो कंपनी सूचना साझा करने को तैयार है। फेसबुक ने सोमवार को कहा है कि वो उपभोक्ताओं की पहचान गोपनीय रखते हुए उनकी आवाजाही तथा उनके रिश्तों के बारे में शोधकर्ताओं को जानकारी मुहैया करवाएगी ताकि इस बात को समझा जा सके कि संक्रमण आगे कहां कहां फैल सकता है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दें, इंस्टाग्राम पर भी अब हम हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो कर लें, या फिर ट्विटर पर भी हमें ट्वीट कर सकते हैं। नमस्कार।